हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हमारी चल रही थी टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। इसमें हम ऑलरेडी 15 एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं। जिसने अब तक नहीं दे रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके कर सकते हो। और ये एमसीक्यू बुकलेट आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो चलिए फटाफट से एमसीक्यू बुकलेट निकालते हैं और चैप्टर नंबर 4 के बैलेंस एमसीक्यूज को भी आसान बनाते हैं। एमसीक्यू नंबर 16, विच स्ट्रेटजी इज इम्प्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग बिजनेस एंड एनलार्जिंग स्कोप ऑफ बिजनेस। यानी कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम बिजनेस को क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं और बिजनेस को बढ़ाते हैं। द ऑप्शंस आर ए स्टेबिलिटी, बी एक्सपेंशन, सी रिट्रेंचमेंट एंड डी कॉम्बिनेशन। ये चारों कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी हैं, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। आपको वो स्ट्रेटजी बतानी है जिसमें हम बिजनेस को रीडिफाइन करते हैं और बिजनेस को बढ़ाते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया, ग्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एक्सपेंशन। देखो एक बार मैं मॉड्यूल से दिखा देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन आया है जो आपकी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है, ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, उसकी एक्सप्लेनेशन में से। देखो यहाँ पर दे रखा है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस बाय एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस, और इसमें हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर स्ट्रेटजी, बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी है, दैट टेंड्स टू बी इक्विटेड विद डायनेमिक्स, विगर, प्रॉमिस एंड सक्सेस। यानी कि इसमें हम बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। चेंजिंग एनवायरनमेंट से खेलना, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को सीज करना, ये सारे काम किस में हम करते हैं, एक्सपेंशन में। इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, बिजनेस को रीडिफाइन करना, ये सब। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 17, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। इनमें से कौन सी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी की टाइप नहीं होते। द ऑप्शंस आर थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन, थ्रू स्ट्रेटजिक अलायंस, थ्रू टफ राइवलरी। सेलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, थ्रू टफ राइवलरी। देखो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के बहुत सारे टाइप होते हैं, कौन कौन से इसके होते हैं, आपके डाइवर्सिफिकेशन सबसे पहले, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस। डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस। डाइवर्सिफिकेशन में भी दो आते हैं, मैंने क्या कर दिया, दो आते हैं डाइवर्सिफिकेशन में। एक होता है इंटेंसिफिकेशन और दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में आता है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन के दो होते हैं, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में आता है मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन में चार आते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट। आपको याद होगा वर्टिकल में काफ़ी हमने चर्चा करी थी, इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। और वर्टिकल में भी दो होते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। जब हम रॉ मटेरियल की तरफ यानी कि सप्लायर की तरफ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैकवर्ड, और जब हम स्टोर वगैरह, मार्केटिंग वगैरह के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। पीछे जाते हैं सप्लायर की तरफ, बैकवर्ड, आगे जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड। हॉरिजॉन्टल पे जो सेम लेवल के करते हैं, कोसेंट्रिक प्रोसेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और कॉन्ग्लोमरेट, इस पर भी काफ़ी सारे एमसीक्यू बनते हैं। कॉन्ग्लोमरेट जो कि अनरिलेटेड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें हम ऐसे बिजनेस को एक्वायर करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनरिलेटेड। और दूसरा नाम क्या है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं आपके वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं,
एमसीक्यू नंबर 18। अरेंज डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, स्टेबिलिटी एंड टर्नअराउंड स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस फॉर अडॉप्शन बाय टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें इनको अरेंज करना है कि डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, स्टेबिलिटी, टर्नअराउंड, इनमें से कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में, ठीक है, एक ऑर्डर में करना है। द ऑप्शंस आर ए टर्नअराउंड, स्टेबिलिटी, लिक्विडेशन, डाइवेस्टमेंट। बी डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, स्टेबिलिटी, टर्नअराउंड। ये तो उल्टे ही भाग रहे हैं, टर्नअराउंड लास्ट में कर रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ है। सी स्टेबिलिटी, टर्नअराउंड, लिक्विडेशन, डाइवेस्टमेंट। मतलब लिक्विडेट पहले हो गई, कंपनी पूरी बंद पहले हो गई, बाद में एक का डिवीज़न बंद कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, बिल्कुल गलत। ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब क्या ही बोलूं। ऑप्शन डी स्टेबिलिटी, टर्नअराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन, आप सिलेक्ट करो फिर मैं बताती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेबिलिटी, टर्नअराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, पहले टर्नअराउंड होता है, यानी कि हम पहले जो हमारा बिजनेस चल नहीं रहा होता है उसको हम चलाने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्नअराउंड, पीछे मुड़, यानी कि वापस से बिजनेस अच्छा चले। अगर वो भी नहीं होता, यानी कि ये स्ट्रेटजी हमने अटेम्प्ट करी लेकिन ये अनसक्सेसफुल रही, तो हमें जाना पड़ता है डाइवेस्टमेंट पर। मतलब कोई प्रोडक्ट लाइन, कोई पर्टिकुलर डिवीज़न वगैरह को हमें बंद करना पड़ता है, तो उसमें से हमें इन्वेस्टमेंट को निकालना पड़ता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। एक बिज़नेस को बंद करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी हमारी लॉसेस में चलती ही आ रही है। मतलब अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विडेशन करना ही करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताई थी लिक्विडेशन सबसे अनअट्रैक्टिव और अनप्लीजेंट स्ट्रेटजी होती है, जो कि कोई नहीं चाहता लिक्विडेट करना अपने बिजनेस को, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। अगर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो फिर क्या ही करें, टर्नअराउंड कर लिया, डाइवेस्टमेंट कर लिया, लेकिन अब भी नहीं चल रहा तो क्या करें, तो हमें लिक्विडेशन स्ट्रेटजी ही अपनानी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने आपसे ये बोला था पहले टर्नअराउंड, फिर डाइवेस्टमेंट, फिर लिक्विडेशन और स्टेबिलिटी। एक बार ये भी मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने सिखाया था टर्नअराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। और देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि जब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है तो हम पहुँच जाते हैं स्टेबिलिटी पर, मतलब मैच्योरिटी स्टेज पर। जब हमारा चल जाता है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है उसकी मैच्योरिटी स्टेज पर हमारा प्रोडक्ट चला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, यानी कि अब हम कोई भी बिजनेस को रीडिफाइन नहीं करते हैं, ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बिजनेस नीचे आना शुरू हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट, जो कि ये तीनों थे, ठीक है। तो पहले हमारा बिजनेस क्या होता है, स्टेबल, यानी कि बहुत पूरी मैच्योरिटी स्टेज पर पहुँच जाता है, ठीक है, यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है कि ये जो मैच्योरिटी है कि डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, फिर हमें रिट्रेंचमेंट अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले क्या आता है अपना स्टेबिलिटी, उसके बाद जब नीचे आना शुरू हो जाता है बिज़नेस, तब उसे झेलना शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कुछ बदल जाए, यानी कि टर्न अराउंड, नहीं बदलता है तो एक आध डिवीज़न बंद कर देते हैं, डाइवेस्टमेंट, और जब कुछ नहीं अच्छा होता तब हम कर देते हैं लिक्विडेशन। तो स्टेबिलिटी, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, इस तरीके से ऑर्डर चलेगा। उम्मीद है आपको 18 बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 19, विच इज़ नॉट द मेजर रीजन फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। कब हमें स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी नहीं अपनाते, ऐसा कौन सा रीज़न नहीं है, यानी कि बाकी के रीजन्स होंगे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए, एक नहीं होगा, वही सिलेक्ट करना है। द ऑप्शंस आर प्रोडक्ट हैज़ रीच मैच्योरिटी स्टेज, लेस रिस्की एज इट इन्वॉल्व लेस चेंजेस, सी एक्सपेंशन मे बी परसीव्ड एज बीइंग थ्रेटनिंग, डी एनवायरमेंट फेज इज रिलेटिवली अनस्टेबल। ये ऑप्शंस हैं, आप सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, एनवायरमेंट फेज इज रिलेटिवली अनस्टेबल। देखो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी हम कब अपनाते हैं, इसके रीजंस क्या हैं, जब हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच गया हो तब हम स्टेबिलिटी को अपनाते हैं, तो बिल्कुल सही पहला वाला।
लेस रिस्की एज इट इन्वॉल्व लेस चेंजेस, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर सच्ची बात है कि इसमें रिस्क भी बहुत कम है, ये भी सही है। एक्सपेंशन मे बी परसीव्ड एज बीइंग थ्रेटिंग, हम इतनी ऊपर पहुंच जाते हैं मैच्योरिटी स्टेज पर कि अब अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो वो क्या हो सकता है, थ्रेट हो सकती है हमारे लिए, तो ये भी सही है, इसलिए हम स्टेबिलिटी पे ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते। लास्ट, एनवायरनमेंट फेज इज रिलेटिवली अनस्टेबल, यहाँ पे अनस्टेबल की जगह क्या होना चाहिए था, स्टेबल। हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी तब अपनाते हैं जब जो एनवायरनमेंट होता है वो स्टेबल होता है, ना कि अनस्टेबल, इसलिए यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहाँ पर स्टेबल होता तो वो सही होता, लेकिन ये अनस्टेबल है और उन्होंने भी पूछा था नॉट, इसलिए ये करेक्ट है। ठीक है, एक बार मैं आपको मॉड्यूल से दिखा दूँ ताकि आप ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयार कर लो। ये रहे, ठीक है, मेजर रीजंस दिख गए और बाकी के मेजर रीजंस ये रहे, एक्सपेंशन में भी परसीव एज बीइंग थ्रेटनिंग, यहाँ तक है, ये तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं, कितने हो गए, 19 हो गए। एमसीक्यू नंबर 20, एक्विजिशन ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज यूजिंग योर प्रोडक्ट इन देयर मैन्युफैक्चरिंग इज, हमने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर किया है जो कि हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये समझो कि ये हम हैं और ये दूसरे लोग हैं, ठीक है, ये लोग हमारा प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे थे, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट इनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है ना, हमारा प्रोडक्ट इनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल, और हमने क्या किया, इनको ही उठा लिया, इनको हमने उठा लिया, तो ये बताओ आगे गए या पीछे, याद रखना हम खुद ही रॉ मटेरियल वाले हैं, तो हम आगे वाले को ही तो उठा रहे हैं क्योंकि ये हमारा रॉ मटेरियल लगा रहे थे, ये हमारे प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे थे और हमने उन्हीं को उठा लिया, इसका मतलब हम जो प्रोडक्ट चेन है उसमें आगे गए, हम जो प्रोडक्ट चेन है उसमें आगे गए, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अगर पीछे जाते रॉ मटेरियल वाले को उठाते तो हम बोलते बैकवर्ड इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन देखो कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, या फिर लास्ट कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि अगर बैकवर्ड डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट वो लगा दो, लेकिन अगर नहीं दे रखा हो तो ऑप्शन दे रखा हो सकता है आपको वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल में बैकवर्ड भी आता है फॉरवर्ड भी आता है, तो अगर बैकवर्ड नहीं दे रखा हो तब आपको क्या लगाना है, वर्टिकल। ठीक है, नहीं दे रखा हो तभी लगाना है, अगर दे रखा हो तो बैकवर्ड ही लगाना है, अगर बैकवर्ड नहीं दे रखा हो तब वर्टिकल लगाना है। ये मैं बहुत बार ये चीज़ें बता चुकी हूँ क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यू बनते हैं और आप वहाँ पर घबरा के गलत कर देते हो, तो आपको गलत नहीं करना है, इसलिए 6-6, 20-20 बार मैं बोल देती हूँ। आगे बढ़े, एमसीक्यू नंबर 21, इन विच डाइवर्सिफिकेशन फर्म्स ऑप्ट टू एंगेज इन बिजनेस दैट आर नॉट रिलेटेड द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ फर्म, हम ऐसे बिजनेस में अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। द ऑप्शंस आर वर्टिकल इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड, कोसेंट्रिक या फिर कॉन्ग्लोमरेट, आप सिलेक्ट करो, बहुत ईजी है। नॉट रिलेटेड, बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा बोलो, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो 21 का डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, एमसीक्यू नंबर 22, विच इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस दैट इनेबल्स ईच टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स विच नाइदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन। रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, दो या दो से ज़्यादा बिजनेस के बीच में, दैट इनेबल्स ईच टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, विच नाइदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन।
ऐसे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं जो कि वो अगर अकेले होते तो वो अचीव नहीं कर पाते। समझ में आ गया क्वेश्चन? ऑप्शंस पूछो, मतलब ऑप्शंस तो मैं बताऊंगी, आपको सेलेक्ट करना है। द ऑप्शंस आर ए डाइवर्सिफिकेशन, बी एक्विजिशन, सी स्ट्रेटजिक अलायंस या फिर डी मर्जर। सोचो सोचो, ऐसे ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं जो अकेले अचीव नहीं कर पाते। इसका करेक्ट आंसर है सी स्ट्रेटजिक अलायंस। सीधी सीधी आपको डेफिनेशन दे रखी थी स्ट्रेटजिक अलायंस की, और कुछ नहीं था। ये देखो मैंने आपको मॉड्यूल से भी दिखा दिया, इसलिए ये सीधी सीधी आपकी डेफिनेशन यहाँ से उठकर आई थी। अ स्ट्रेटजिक अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस दैट इनेबल्स ईच टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव विच नाइदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन। सीधी सीधी आपको मॉड्यूल से उठा के लाइनें देते हैं MCQs में, और आप सोचते हो ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो मॉड्यूल अच्छे से पढ़ना, इसी में से सारे आता है। अच्छा एक और बात, ये वाला इम्पोर्टेंट लगा देना, स्ट्रेटजिक अलायंस वाला, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आती है, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेजेस भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन। स्ट्रेटजिक अलायंस बहुत बार पेपर में आ चुका है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। अगर मॉड्यूल है तो इम्पोर्टेंट भी स्टार मार्क कर लेना। अच्छा स्ट्रेटजिक अलायंस का कोई एग्जाम्पल बताओ। सिंपल, मैकडी और कोक, मैकडी और कोक, इन दोनों ने आपस में स्ट्रेटजिक अलायंस कर लिया है, जिससे कि मैकडी जो भी आता है उसको क्या सर्व होती है। देखो कोल्ड ड्रिंक तो साथ में चाहिए ही होती है, तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने अलायंस कर लिया है कि अगर आपके यहाँ मैकडी में कोई भी आए तो उसको साथ में क्या देना, आप कोक। इससे फ़ायदा दोनों का, हो सकता है कोई कोक पीने आ रहा है, हो सकता है कोई मैकडी में आया है तो वो कोक साथ में ले ले जाए, तो जो कोक पीने आया है खाली तो उसका इसका फ़ायदा हो जाएगा, और इसके लिए आया है तो कोक का फ़ायदा हो जाएगा, तो एक दूसरे के फ़ायदे हो जाते हैं। इसी को जो हम बोलते हैं स्ट्रेटजिक अलायंस। ये मर्जर से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि मर्जर में क्या होता है, दोनों का नाम साथ में यूज़ होता है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, एकदम अच्छे से चीज़ें होती हैं, उसको हम बोलते हैं मर्जर, जिसमें दोनों साथ आते हैं, जैसे कि आपका वोडाफोन और आइडिया, दोनों साथ में नाम यूज़ हो रहे हैं ना, वोडाफोन और आइडिया, तो उसको हम बोलते हैं मर्जर। इसको जोड़ने में भी टाइम लगता है, इसको तोड़ने में भी टाइम लगता है, लेकिन जो आपका स्ट्रेटजिक अलायंस है ये जस्ट एक एग्रीमेंट होता है, तो ये बन भी हाल जाता है, टूट भी हाल जाता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। ठीक है, तो अगर किसी के लिए शॉर्ट टाइम के लिए बनाओ तो हम स्ट्रेटजिक अलायंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें जन्म जन्म तक साथ आना है तो हम उसको मर्जर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, स्ट्रेटजिक अलायंस और मर्जर में। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 23, विच ऑफ दीज इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटजिक अलायंस। ये आपका डेस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है और MCQ में भी आ सकता है, दोनों में आया है। तो स्ट्रेटजिक अलायंस का कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है? द ऑप्शंस आर शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल, बी लॉन्ग टर्म कोर्ट प्रोसीजर, सी क्रिएट्स अ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर, डी नन। सेलेक्ट करो, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, नन ऑफ दी। देखो जब हम स्ट्रेटजिक अलायंस में आते हैं ना, तो हमें शेयरिंग करनी पड़ती है। शेयरिंग किस किस की करनी पड़ती है? रिसोर्सेज की, प्रॉफिट्स की, साथ के साथ नॉलेज और स्किल्स की, सब की हमें क्या करनी पड़ती है? शेयरिंग करनी पड़ती है। तो ये तो डिसएडवांटेज है ही है, क्योंकि हमें नॉलेज और स्किल्स शेयर करनी है, और हमारा जो बंधन टूट जाएगा, यानी कि जो जस्ट एक एग्रीमेंट हमने बनाया था वो अगर टूट जाएगा, तो ये हमारी स्किल्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, और हमारी नॉलेज और स्किल को जब ये यूज़ करेंगे तो हो सकता है ये बहुत अच्छे हमारे कॉम्पिटिटर भी बन जाए, तो क्रिएट्स अ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। हो सकता है मैकडी आगे जाके, मैकडी को सब पता तो चल ही गया कोक के बारे में, हो सकता है वो कोई अपनी ही ड्रिंक बना दे, तो वो मैकडी के साथ वो ही देगी, कोक क्यों देगी। ठीक है, तो इनको इतनी सारी कोक की नॉलेज स्किल्स सब मिल गई है, तो हो सकता है कोक की आगे जाके क्या बन जाए, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। तो हमारी डिसएडवांटेज है, मतलब हमें डर है स्ट्रेटजिक अलायंस में आने से, क्योंकि जो हमारी रिसोर्सेज और प्रॉफिट तो शेयर होते ही होते हैं, साथ के साथ नॉलेज और स्किल भी शेयर हो जाती है, उससे क्या होता है, एक पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बन जाता है। वैसे जब ये एग्रीमेंट होता है ना स्ट्रेटजिक अलायंस का, तब ये एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि हमारी जो भी स्किल्स है, जो भी ट्रेड सीक्रेट्स है, वो आपको यूज़ नहीं करने हैं, किसी को बताने नहीं है, तो उन सब के लिए
होता तो सब है लेकिन वो लोग करे कि नहीं करे, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, कोर्ट प्रोसीजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक ये भी हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेज। एक बार मैं इसको मॉड्यूल से दिखा दूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस डू कम विद सम डिसएडवांटेज एंड रिस्क। कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस और रिस्क भी हैं। द मेजर डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग किस किस की होती है, रिसोर्स और प्रॉफिट की तो होती होती है, साथ के साथ नॉलेज और स्किल्स भी होती है। शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल्स कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक इफ दे इन्वॉल्व ट्रेड सीक्रेट। अगर नॉलेज और स्किल्स में क्या है, ट्रेड सीक्रेट्स भी हैं, तो फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी। अग्रीमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटिव टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट। ये देख रहे हो, यही वाली मैं आपको लाइन समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसमें जो अग्रीमेंट्स बनते हैं ना, उसमें ये बात भी डाल दी जाती है मेनली, जिससे कि हमारे जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करके रखें, किसी और को ना बताएं और खुद भी गलत यूज़ ना करें। अग्रीमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट। तो अग्रीमेंट लगाए जा सकते हैं, उसमें ये बात डाली जा सकती है कि आप ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करें, बट दे आर ओनली एज गुड एज द विलिंगनेस ऑफ पार्टीज टू अबाइड बाई द एग्रीमेंट। लेकिन ये तभी तक अच्छा है, देखो अग्रीमेंट तब बनाना तभी तक अच्छा है जब तक लोग फॉलो करें। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो अग्रीमेंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो बोल रहे हैं वो तभी तक गुड है, तभी तक अच्छी है जब तक जो पार्टी है, यानी कि स्ट्रेटेजिक अलायंस में जो एली होते हैं, जो पार्टीज होते हैं, वो उसको माने, अबाइड मतलब जो उसको माने। अगर वो नहीं मानते तो फिर क्या ही फ़ायदा। और द कोर्ट्स विलिंगनेस टू एनफोर्स देम, या फिर जो कोर्ट है वो खुद से क्या करे, उनको लागू करने के लिए बोले। अगर ये होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा है ही नहीं, फिर तो कोर्ट के चक्कर ही लगाने। स्ट्रेटेजिक अलायंस में ऑल्सो क्रिएट अ पोटेंशियल क्रिएटर, वही बोल रहे हैं, पोटेंशियल क्रिएटर नहीं कॉम्पिटिटर, एंड एली में बिकम अ कॉम्पिटिटर। जो हमारा साथी होगा, एली जो स्ट्रेटेजिक अलायंस का जो साथी होता है उसको एली बोलते हैं, वही हमारा हो सकता है आगे जाके कॉम्पिटिटर बन जाए। हमारे एग्जाम्पल में एली कौन था, वो मैकडी, हो सकता है वो कोक की सारी चीज़ें लेके खुद ही बन जाए उसका कॉम्पिटिटर। अब मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक लाइंस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए हो। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 24, विच इज द थर्ड स्टेज ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की आपको पता है कुछ स्टेजेस होते हैं जब हमें अपने बिजनेस को वापस पीछे मुड़, वापस नए तरीके से, मतलब एकदम बढ़िया बिजनेस हमें करना है तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव। अब ज़्यादा तुम सर्वाइव के लिए मरो मत, बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाओ, बहुत अच्छे से चलो, ठीक है। तो उसमें इन्होंने थर्ड स्टेज पूछी है, याद रखना। द ऑप्शंस आर असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमरजेंसी एक्शन प्लान, सी रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, डी रिटर्निंग टू नॉर्मल। सेलेक्ट करो, इसका करेक्ट आंसर है बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी एक्शन प्लान। पहला वाला जो था असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, ये तो स्टेज वन ही है। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स आ क्या रही हैं पहले उसे तो असेस करें। एक बार मैं आपको मॉड्यूल से दिखा देती हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लो। कौन सा था ये, टर्न अराउंड का, टर्न अराउंड ये रही। तो इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, देखो पहली असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, यानी कि इसमें हम रूट कॉज देखते हैं कि एक्चुअली दिक्कत क्या आ रही है। एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर हम क्या करते हैं सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं। अब प्लान बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, साथ के साथ इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, हर बार मैं बोलती हूँ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। प्लान तो आप बना देते हो 20 घंटे का, पढ़ाई 2 घंटे भी इफेक्टिवली हो रही है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो थर्ड स्टेज होती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन एंड एमरजेंसी एक्शन प्लान, फिर फोर्थ होती है रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, और लास्ट होगी रिटर्निंग टू नॉर्मल। तो यहाँ पर पूछी थी थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज हो गई आपकी ये इम्प्लीमेंटेशन वाली, ठीक है। तो तैयार कर लेना, पूछ भी सकते हैं कौन सी आपकी स्टेज है, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, आगे बढ़े। और यही हाँ, डेस्क्रिप्टिव के लिए भी तैयार कर लेना, उसमें बहुत बार आया टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का, स्टेजेस बताओ। आ जाओ MCQ नंबर 25,
which is a popular strategy that tends to be equated with dynamism, vigor, promise and success. मैंने बताया था आगे बढ़ने की उमंग हो, नई एनर्जी के साथ बढ़ते ही चले, एनवायरमेंट डायनेमिक को फर्क नहीं पड़ता, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, आपको याद होगा, ये मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है, मॉड्यूल से एकदम रेफर कराया भी था. अब आपको बताना है करेक्ट आंसर. द ऑप्शंस आर स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन. स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, चारों की चारों क्या है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी आपको बतानी है, जिसमें हम आगे बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, वेरी गुड, बी, एक्सपेंशन. ये मैंने ऑलरेडी दिखा दी थी, एक बार और दिखा दूँ क्या? एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी का, ये एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी, ये इसमें से ही आया था पूरा, इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है. तो ये भी हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं. एमसीक्यू नंबर 26. व्हेन डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन द अलाइव, देन व्हिच स्ट्रेटजी शुड बी ऑप्टेड बाय एंटिटी. जब डेड बिजनेस यानी कि जो बंद हुआ बिजनेस ज़्यादा वर्थ करता है मोर देन अलाइव, यानी कि जो आपका जीता जागता बिजनेस है वो कम वर्थ का है, और आपका जो मरा हुआ बिजनेस है, जो बंद हुआ बिजनेस है, वो ज़्यादा का है, ठीक है, तब आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए. दी ऑप्शंस आर डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, एक्सपेंशन या स्टेबिलिटी. डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, एक्सपेंशन या स्टेबिलिटी सेलेक्ट कर लिया, इसका करेक्ट आंसर है बी, लिक्विडेशन. इसको मैं समझा देती हूँ. देखो इसका क्या मतलब होता है कि जब जो हमारा बिजनेस है वो बंद हुआ ज़्यादा वर्थ करता है जो जीता जागता बिजनेस है उससे, ठीक है, इसकी वर्थ ज़्यादा है. ऐसा क्यों? देखो अगर ये हमारा बिजनेस है, ये पहले से ही बहुत सारे लॉसेज में है, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, पूरे गोडाउन वगैरह का हर चीज़ का रेंट जा रहा है, तो फिर ऐसे बिजनेस का क्या फ़ायदा? एक तो बिजनेस में कुछ कमाई हो नहीं रही है, इनफ्लो तो कुछ आ नहीं रहा है, ऊपर से आउटफ्लो ही आउटफ्लो हो रहा है, कभी इंटरेस्ट देना है, कभी रेंट देना है, कभी टैक्स देना है, कभी कुछ देना है, तो इससे बढ़िया इस बिजनेस को बंद ही कर दो, ठीक है. बंद करोगे तो कम से कम कुछ तो पैसा आएगा, जो एसेट्स वगैरह है वो बेचकर कुछ तो पैसा आएगा, कुछ तो इनफ्लो होगा. ऐसे क्या फ़ायदा जिससे हम बार बार ये रेंट वगैरह दे के, ये सब दे के बिल्कुल ही, मतलब बोलते ना, कंगाल हो गए, बिल्कुल कुछ पैसा नहीं बचा, दिवालिया हो गए, तो ऐसे बिजनेस का क्या फ़ायदा? इससे बढ़िया हम क्या करें, इस बिज़नेस को बंद कर दें. अगर इस बिज़नेस को हम बंद करते हैं तब हमारे पास पैसे तो भी आएंगे, यहाँ पर तो सिर्फ जा ही जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं अ डेड बिजनेस इज़ वर्थ मोर देन द अलाइव, क्योंकि हमारा जो जीता जागता बिजनेस है उसमें तो कुछ ना कुछ पैसा जाता ही चला जा रहा है, आउटफ्लो ही हो रहा है. इससे बढ़िया हम उसे बंद कर दें और कुछ पैसे घर में आए, ठीक है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, लिक्विडेशन, ताकि हम बिजनेस को बंद कर दें. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया हो. और आपका लिक्विडेशन में दे भी रखा है ये वाली लाइन, ये ऐसे लाइन नहीं आ जाती, ये आपकी लाइन दे रखी है सारी, बहुत अच्छी अच्छी. मॉड्यूल खोल के देखना कभी, मुझे लगता है आप लोग मॉड्यूल खोलते ही नहीं हो, आपको ऐसा लगा हो कितनी मस्त लाइन आ गई नई सी, बट ये आपको यहाँ पर लाइन दे रखी है, देखो पूरी लाइन दे रखी है. मैंने आपको बताया था लिक्विडेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, बिल्कुल अनप्लीजेंट स्ट्रेटजी, अनअट्रैक्टिव स्ट्रेटजी, जो कोई नहीं चाहता इस स्ट्रेटजी को अपनाने हैं. लेकिन जब उनको पता चलता है कि उनका डेड बिजनेस ज़्यादा है किससे, अलाइव बिजनेस से, ठीक है, व्हेन डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव, तब वो लोग क्या करते हैं, लिक्विडेशन स्ट्रेटजी को अपनाते हैं. तब उनको समझ में आता है हाँ इससे तो पैसा जा ही जा रहा है, इससे बढ़िया इस बिजनेस को बंद कर दो, तब वो क्या करते हैं, लिक्विडेशन स्ट्रेटजी. भले ही वो अनअट्रैक्टिव हो, भले ही वो अनप्लीजेंट स्ट्रेटजी हो, लेकिन जब उन्हें ये वाली बात समझ में आ जाती है अपने बिजनेस के लिए, तब वो यही करते हैं. आगे बढ़े, एमसीक्यू नंबर 27. इन विच टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फर्म्स मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड. ऐसा कौन सा डाइवर्सिफिकेशन का टाइप है जिसमें फर्म्स कभी आगे जाती है तो कभी पीछे जाती है इन चेन एंड एंटर्स स्पेसिफिक प्रोसेस स्टेप्स विद इंटेंशन ऑफ मेकिंग देम इनटू न्यू बिजनेस फॉर फर्म.
अगर आप इसकी यहाँ तक भी पढ़ लो तो भी आप इसका आंसर आराम से क्रैक कर सकते हो। दी ऑप्शंस आर वर्टिकल इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड, कोसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट। ये चारों आपको डाइवर्सिफिकेशन के टाइप दे रखे हैं। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट। अब इसमें से ऐसा बताना है जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा एमसीक्यू वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट से ही आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वर्टिकल इंटीग्रेटेड। जब हम सप्लायर के पास जाते हैं, सप्लायर को एक्वायर करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं बैकवर्ड। और अगर हम आगे जाते हैं यानी कि मार्केटिंग एंड सेल्स, आपका जो भी स्टोर वगैरह हो, आफ्टर सेल सर्विस, तो हम जाते हैं फॉरवर्ड। और दोनों ही किसके टाइप है? वर्टिकल के। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 28, विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलाइन। इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? द ऑप्शंस आर ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डी नन ऑफ दिस। सेलेक्ट करो। इसका करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ दिस। अगर आपको पता हो तो स्ट्रेटेजिक अलाइंस के चार एडवांटेज होते हैं। ई सॉप से हम याद करते हैं, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल और लास्ट पॉलिटिकल। इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिक, तो ये तीनों तो होते ही होते हैं, साथ में स्ट्रेटेजिक भी होता है, तो सारे एडवांटेज तो होते ही हैं। उन्होंने पूछा था कौन सा नहीं होता है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो गया नन। ये तीनों आपके स्ट्रेटेजिक अलायंस के एडवांटेज होते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था अपने डिस्क्रिप्टिव के लिए भी तैयार कर लेना। आगे बढ़े MCQ नंबर 29, विच इज द मेजर रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। रिट्रेंचमेंट टर्न अराउंड ऐसी स्ट्रेटजी अपनाने का मेजर रीजन क्या है? क्यों हम बिजनेस को कम करते हैं? क्यों हम बिजनेस को बंद करते हैं? क्यों हम टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, वापस मुड़ क्यों अपनाते हैं स्ट्रेटजी? तो ऑप्शंस आर ए, कंटिन्यूस लॉसेस एंड अनवायबिलिटी। ये क्या हो गया? अनअवेलेबिलिटी नहीं होगा यहाँ पर, अनवायबिलिटी होगा, अनवायबिलिटी। बी, परसिस्टेंट निगेटिव कैश फ्लोस। सी, सेवरिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। डी, ऑल ऑफ द अबव। आप सोचो। इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ता है। चाहता कोई नहीं है लेकिन अपनाना पड़ता है। कब कब? जब उनके बिजनेस में कंटिन्यूस लॉसेज हो रहे हो, बार बार लॉसेज हो रहे हो। अनवायबिलिटी, पता चल रहा है ये सक्सेसफुल अब नहीं होने वाला है। अनवायबिलिटी का मतलब होता है जब हमें पहले ही पता चल जाता है अब सक्सेस नहीं मिलने वाली। बी, परसिस्टेंट निगेटिव कैश फ्लोस। परसिस्टेंट निगेटिव कैश फ्लो, इसका मतलब बार बार हमारे कैश फ्लोज कैसे आ रहे हैं? निगेटिव, मतलब हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है और हमारे इनफ्लो कम है, तो निगेटिव कैश फ्लोज हमारे बार बार आ रहे हैं। सेवरिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी कि जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो तीनों ही रीजन से जब हम सोचते हैं किसके बारे में, रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। अच्छे समझ में आया? आगे बढ़े MCQ नंबर 30, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। इनमें से कौन सी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नॉट लिखा है, ठीक है। दी ऑप्शंस आर लेस रिस्क, इन्वॉल्व माइनर इम्प्रूवमेंट। सी, सेफ्टी ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। डी, इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो बताइए अब, ये तो बहुत ईजी है। दी करेक्ट आंसर इज डी, इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। देखो, मैंने आपको बताया था जब हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर हो जाता है तब हम कहीं भी ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, तो यहाँ पर क्या होता है? कम रिस्क होता है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में फिर क्या होता है? कम रिस्क होता है। थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, तो माइनर इम्प्रूवमेंट। सेफ्टी ओरिएंटेड स्ट्रेटजी होती है, यानी कि स्टेटस को स्ट्रेटजी, ठीक है, बहुत अच्छा सा वर्ड है स्टेटस को स्ट्रेटजी। जब अगर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के बारे में कोई डिस्क्रिप्टिव में आए तो वहाँ पर लिख के आना, मज़ा आएगा। स्टेटस को स्ट्रेटजी, यानी कि जैसी स्थिति है यथा स्थिति, जैसी है वैसी रहो।
लास्ट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस. ये रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस जो है ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये किसका है, एक्सपेंशन का. एक्सपेंशन में करते हैं हम बिजनेस को रीडिफाइन, ठीक है. स्टेटस को में तो हम स्टेबिलिटी जो स्ट्रेटजी है उसमें जैसा है वैसा ही चलता रहता है, यहाँ पर ज़्यादा हम पैसा नहीं इन्वेस्ट करते, ठीक है. एक बार दिखा दूँ क्या ये आपको मॉड्यूल से, वैसे शायद मैंने आपको ये पहले भी दिखाया है, ये रही. अच्छा पहले इसके मेजर रीजंस दिखाए थे ना, अब इसके स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रहे. देखो ये वर्ड बोल रही थी मैं, अगर आपका क्या हो, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव में आ जाए स्टेबिलिटी या स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप स्टेटस को ज़रूर लिखना, इसका मतलब होता है यथा स्थिति जैसी है वैसे ही रहो. इसमें माइनर इम्प्रूवमेंट होती है, कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो रिस्क भी कम है, और साथ के साथ इसमें रीडेफिनेशन नहीं होता, डज नॉट इन्वॉल्व. और यहाँ पे क्या बोला था, इन्वॉल्व, इसलिए गलत है, ठीक है. और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. उम्मीद है आपको 30 के 30 MCQs बहुत अच्छे से समझ में आए, तो उसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. और आज के लिए बस इतना ही. इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल. इफ़ यू डिजर्व एरिया डू सब्सक्राइब नाउ. इस तरीके से आपको MCQs खाली टिक नहीं लगवाए जाएंगे, साथ के साथ कंसेप्चुअली आपको डीप एनालिसिस से बताए जाएंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और बाकी सब्जेक्ट्स भी आते रहेंगे, ऐसे ही आपका प्यार बना रहा तो और भी सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है. देखो एडवांस अकाउंट में प्यार दिया, FM आ गया, FM में इतना प्यार दिया, SM आ गया. अब ऐसे ही आप प्यार देते रहोगे और आपके नए नए सब्जेक्ट्स आसान बनते जाएंगे. तो अपने दोस्तों के साथ शेयर्स भी कर देना, शेयर्स मतलब शेयर भी कर देना. आज मैं थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत गलत बोल रही हूँ, मेरे माउथ में कुछ हो गया है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं कुछ हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सारी मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत दी होंगी, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी. सो आज के लिए बस इतना ही. इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज़.